फ्लिंग से शुरू हुआ अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का रिलेशनशिप ज्यादा समय तक फ्लिंग रह ना सका। 16 साल की शादी में दोनों की केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग बस बढ़ती ही दिखी है। सब ये तो जानते हैं कि वो बहुत ही रोमांटिक कपल हैं, पर उनकी लव स्टोरी के पीछे की कहानी के बारे में बड़े कम लोग ही जानते हैं। जब अक्षय ने ट्विंकल से शादी के लिए हाथ मांगा तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर मेरी आने वाली फिल्म मेला फ्लॉप हो गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ट्विंकल को पूरा भरोसा था कि उनकी फिल्म सुपर हिट जाएगी और उन्हें शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ और फिल्म फ्लॉप होने के कारण उन्होंने अक्षय को शादी के लिए हाँ कर दी। ट्विंकल ने अक्षय से उनकी माँ डिम्पल कपाड़िया से बात करने को कहा और वो उनसे मिलने पहुंच गए, और तब हुई एक कमाल की बात। ट्विंकल की माँ और मासी वहीं थे जब अक्षय उनसे मिलने पहुंचे, और अक्षय से मिलते ही उनके पहले थॉट्स थे कि अक्षय गे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के स्टनिंग और हैंडसम मैन अक्षय कुमार को गे समझा गया था। अक्षय को ये बात कुछ देर बाद पता चली और सुनते ही उन्होंने सब बात क्लियर कर दी, जिसके बाद अक्षय और ट्विंकल की शादी की बात पक्की हो गई और इस हैपनिंग कपल ने अपनी ब्यूटीफुल लाइफ की नई शुरुआत करी।